जी, जैसा कि आज आपने बसंत पंचमी कार्यक्रम रखा, क्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है आज का? मेन उद्देश्य मेरा आज के कार्यक्रम का था कि हम लोगों को जो ग्राम स्वराज योजना का, जिसको कि अब हम लोग नगर स्वराज योजना कह रहे हैं, इसके तहत भी मैंने जिन बहनों को इसकी जिम्मेदारी दी हुई थी उनको भी बुलाकर और उनका सब पूछना है कि कितने आप लोगों के वहाँ पे प्रवास हो चुके हैं, क्योंकि कि हम लोगों को 8-8 प्रवास करवाने थे 2 महीने। 1 दिसंबर से ये कार्यक्रम शुरू होकर पहले 30 जनवरी तक था, लेकिन अब वो कार्यक्रम हमारा 11 तक बढ़ गया है, 11 फरवरी तक, क्योंकि कि हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहाँ पे उस समय जयंती होएगी, तो उसी पे हमें इसका सत्यापन करवाना है। और साथ ही साथ CAA के बारे में मैं अपनी सारी जानकारी दूंगी, जो कि हम लोग ये अपने सबसे मोबाइल से उनके नंबर पर हम लोग इसका मिस कॉल करवाएंगे, जो कि है 8886268662। उस पर उनका फिर साथ ही उनका क्या लगता है आपको कि जो आपका CAA बिल कानून आया है इसमें आपको मिस कॉल कराने की जरूरत पड़ रही है? जगह जगह BJP सत्ता रहते हुए, जबकि पूरे भारत में अच्छी पोजीशन पे है BJP, बहुत ही कम जगह पे ऐसा है कि अदर पार्टियां हैं, उस कंडीशन में भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है समर्थन के लिए। ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं CAA का जो समर्थन क्यों करना पड़ा? मुझे CAA का पूरा फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है। इसलिए करवाना, पहले तो आप इंदु जी ये बता दीजिए CAA है क्या चीज। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जी, जिसके लिए पहले बिल बनता है CAB, उसको हम लोग सिटीजन अपना अमेंडमेंट बिल कहते हैं। पहले बिल होता है, फिर जब वो हमारा राष्ट्रपति से साइन हो जाता है तो वो हमारा एक एक्ट, हमारा एक कानून बन जाता है। उसके लिए हम लोगों को जो दूसरी हमारी पार्टियां हैं विरोधी, वो लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, और वो इस तरह से बताया जा रहा है उन लोगों को कि आप लोगों को यहाँ की नागरिकता नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं इस बिल में